देखिए, आपको जो फॉर्मूला बताया गया था वो एक तो कहा गया था कि आप फैक्टराइजेशन के बेस पर लिमिट को फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूलों में आपको ये फॉर्मूला सिखाया गया था, इसमें बताया गया था कि आपका जो रिजल्ट आता है वो एन ए एन माइनस वन आ जाता है। अब एक और फॉर्मूला है, वो है साइन एक्स अपॉन एक्स। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि साइन एक्स अपॉन एक्स हो या एक्स अपॉन साइन एक्स हो, आना वन ही है। नोट करने वाली बात बच्चों ये है यहां पर कि एक, दो और तीन, ये तीनों जब सेम होते हैं और ये जीरो को अप्रोच करता है, तब तब आप जो है इस लिमिट को वन के इक्वल रख सकते हैं। ओके जी, किसी को कोई परेशानी इसमें? एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। फर्स्ट में लिमिट एक्स जीरो को अप्रोच करती है, और ये साइन फोर एक्स है, डिनोमिनेटर में साइन टू एक्स है, तो हमने एक्स से डिवाइड करा और एक्स से मल्टीप्लाई। आप देखिए सिचुएशन आराम से कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू जीरो है, एक तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया साइन फोर एक्स अपॉन एक्स, और एक एक्सप्रेशन है हमारे पास एक्स अपॉन साइन टू एक्स। ठीक है जी, अब आप एक बात और देखो बच्चों कि मैं यहाँ फोर से डिवाइड कर रहा हूँ, फोर से मल्टीप्लाई, यहाँ टू से मल्टीप्लाई करा और टू से डिवाइड। किसी को परेशानी इसमें? इन कैलकुलेशंस में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करो। और जब हम एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स इज नॉन जीरो, और आप ये देखिए कि अगर एक्स की वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही है तो फोर एक्स की वैल्यू भी जीरो को अप्रोच करेगी, और यहां पे टू एक्स की वैल्यू भी जीरो को अप्रोच करेगी। आप इस एक्सप्रेशन को देखो, एक मिनट एक बात बताओ बच्चों, अगर एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, दोनों साइड फोर से मल्टीप्लाई करी, तो फोर एक्स भी किसको अप्रोच करेगा? जीरो को। और अगर दोनों साइड टू से मल्टीप्लाई करी तब टू एक्स भी किसको अप्रोच करेगा? जीरो को। फोर से मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि मैंने बताया था स्कूल में, शायद ये बात स्किप करा देंगे, कि ये तीनों सेम होने चाहिए और जीरो को अप्रोच करना चाहिए, अभी अभी बताया था मैंने आपको, तो इसीलिए। अब देखो ये भी फोर एक्स है, ये भी फोर एक्स है, ये भी फोर एक्स है, और जीरो को ही अप्रोच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू हो गई वन, पहले से लिखा हुआ है फोर, फिर इसकी भी वैल्यू हो गई वन, और लिखा हुआ है वन अपॉन टू, जो इक्वल टू आ गया टू। अरे अब बताओ क्या क्या समझ में नहीं आ रही बात?
देखो मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ। देखो बच्चे बिल्कुल, देखो कुछ समझ में नहीं आया ये वाली बात, तो मुझसे बोला मत करो। जब जो बताया जा रहा था मैंने स्पेसिफिक लिखा है, हमेशा ये बताया करो कि कौन सी बात समझ में नहीं आई, ये नहीं कि मेरी कुछ समझ में नहीं आया। एक्स सेम होने चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है बच्चे। देखो यहां पे क्या होता है कि आप देख रहे हो एक्स एक्स और एक्स, ये तीनों सेम होने चाहिए जैसे कि यहां पर है, तभी ये थ्योरम लगेगी और जीरो को ही अप्रोच करना चाहिए। अब सेकंड देखो, अभी देखो दोबारा से, टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और एक एक्स पहले से ही है। तो साइन एक्स अपॉन एक्स को मैंने एक साथ लिखा और वन अपॉन कॉस एक्स को एक साथ। अब आप ये देखिएगा आराम से कि अगर मैं बात करूं साइन एक्स अपॉन एक्स की, तो अलग अलग तरह हमने इसको लिख लिया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। साइन एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाता है, वन, और एक्स की जगह जीरो पुट किया तो ये भी हो गया वन। कॉस जीरो इक्वल टू वन, बिल्कुल बच्चे। फर्स्ट वाला स्टेप तो टेन एक्स को साइन अपॉन कॉस लिखा है बस, और ये एक्स एज इट इज। फिर साइन एक्स को एक्स के साथ लिख लिया क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला है, और कॉस को अलग लिख लिया। यहाँ पे लिमिट लग गई, यहाँ पर यहाँ लिमिट का फॉर्मूला लग गया और यहाँ पर लिमिट अप्लाई हो गई। देखो प्रूव करने के लिए सैंडविच थ्योरम होती है इसमें, बट इसकी प्रूविंग आती नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं इसकी प्रूविंग, तो इसलिए मैं आपको प्रूविंग नहीं बता रहा हूं। अब मुझे बताएं कि हमने क्वेश्चन नंबर वन कर लिया, ये सारे कर लिए, सारे हो गए वाले, ठीक है। हाँ जी, 12th क्वेश्चन देखते हैं। सर साइन वाले में लिमिट लगाएंगे तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा। देखो बच्चे बिल्कुल बढ़िया बात बताइए। देखो आपको मैंने बताया था, आप ये देखिए कि अगर इसमें भी अगर हम लिमिट लगा दें तो अपॉन में जीरो आ रहा है, इनफैक्ट 0/0 आ रहा है। तो जब अपॉन में जीरो आ रहा हो तो या तो फैक्टराइजेशन होंगे या आपकी लिमिट का कोई फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और
अब ये लिमिट क्यों नहीं लगाते? क्योंकि ये अप्रोचिंग है, ये इसको अप्रोच करती है। देखो इनकी जो डेरिवेशन है बच्चे वो बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी तुम थोड़ा जल्दबाजी में रहोगे अगर मैंने तुम्हें वो डेरिवेशन सिखाई तो तुम्हारे को काफी दिक्कत आ जाएगी समझने में। तो अभी बस ये मानो कि अगर अपन में जीरो आ रहा है, अगर लिमिट नॉट डिफाइन हो रही है, 0/0 आ रहा है, तो आप ये देखो कि कोई फॉर्मूला सर ने बताया है वो अप्लाई हो रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, तो यहाँ पर अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूँ तो नीचे जीरो आ जाएगा, बट मैंने आपको क्या कहा हुआ, या तो फैक्टराइजेशन करो या तो फैक्टराइजेशन करो या कोई फॉर्मूला अप्लाई करो। हाँ जी बताओ, कोई परेशानी इसमें? सर आपने 2nr वाला नहीं बताया, कॉस वाली थ्योरम। कौन सा 2nr कॉस वाली थ्योरम? एक मिनट, ये थ्योरम बेकार है, ये थ्योरम है ही नहीं, ये फालतू लिखी हुई है बेटा, वो फालतू लिखी हुई है। ठीक है, एक तो मैं तुम्हारे फॉर्मूले कम करता चला जाता हूं। चलो जी, अब पहले आज साइन वाली पे थोड़ा सा ज्यादा काम करना है, क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है। 13 पे आते हैं, अभी 13 पे तो आ जाओ बेटा, एक एक करके सारे बताएंगे आपको, सारे खत्म हो जाएंगे आज, चिंता की कोई बात नहीं है। पहले 13 पे आते हैं, तो 13 वाले में आपके पास है साइन ए एक्स और लिखा हुआ है बी एक्स। ठीक है जी, ऐसे ही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, बल्कि ये कहूंगा मैं तो, यही लिखा हुआ है या नहीं? तो मैंने ए से डिवाइड करा, ए से मल्टीप्लाई। ठीक, अब आप मुझे एक बात और बताओ अलग से, अगर एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है तो ए एक्स भी 0 को अप्रोच करेगा या नहीं? तो अब यहां बताओ, ये पूरा का पूरा सेम होने की वजह से, ये तीनों सेम होने की वजह से 1 हो गया और आ गया 1 × a/b और आंसर बन गया a। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, स्कूल में ये स्टेप स्किप करा दिया जाएगा, वो डायरेक्ट 1 लिख देंगे, लेकिन आपको समझकर हर बार क्लियर होनी चाहिए कि जब तक ये तीनों नहीं होते सेम और 0 को अप्रोच ना करे, तब तक हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने 0 से 0 कैंसिल बिल्कुल नहीं करा है। कौन कह रहा है मैंने 0 से 0 कैंसिल करा? मैंने कहा है कि जब लिमिट 0/0 को अप्रोच करती है तो या तो हम फैक्टराइजेशन करते हैं या हम फॉर्मूले अप्लाई करते हैं, ये बात लास्ट क्लास से आपको बताई जा रही है। 14 देखिए, नीचे एक्स कैसे आया था? इन दिस वी विल नॉट सेपरेट। हाँ कोई जरूरत नहीं है, देखो क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं तो हम क्यों अलग करेंगे इसको। पहले तो अंश और तुम्हारा ये है, अर्जुन कहते हैं नीचे एक्स कैसे आया था? बेटा देखो एक्स को ढूंढना कैसे आया था, आराम से देखना तुम 1/1। ठीक है, अब देखते जाना ये एक्स कैसे आया था। अब देखना थोड़ी देर में आपका एक्स का पता लगने वाला। आपका ये क्वेश्चन था, यही था या नहीं बेटा?
अर्जुन देखो यही क्वेश्चन था, साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स। अब इसमें ए से डिवाइड करा और ए से मल्टीप्लाई, तो पता लगा एक्स कैसे आया डिनोमिनेटर में। इसके बाद लिमिट में एक्स कैसे आया उसे देखो, क्योंकि एक्स अप्रोच करता है जीरो को, इसलिए ए एक्स भी अप्रोच करेगा जीरो को, तो ए एक्स भी जीरो को अप्रोच कर गया। तो ये बन गया आपका वन, क्योंकि ए एक्स हो गया। फिर ए अपॉन बी की मल्टीप्लाई हो गई, तो हमारा आंसर ए अपॉन बी आ गया। ठीक है, ये रहे, ये तीनों सेम होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, 14th क्वेश्चन मैंने कराया अभी अभी, नहीं कराया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देखते रहिए जो भी कंफ्यूजन है। नेक्स्ट देखो 14th में, देखो 14th क्वेश्चन में आपके पास x अप्रोचिंग टू जीरो है और हमारे पास एक है साइन ax, दूसरा है साइन bx। मैंने x से डिवाइड करा, x से मल्टीप्लाई, तो a से डिवाइड करा, ए से मल्टीप्लाई, बी से मल्टीप्लाई करा, बी से डिवाइड। बिल्कुल देखते रहिएगा अभी। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स है, और हमने दो क्वेश्चन बनाने के लिए एक बी एक्स अपॉन साइन बी एक्स है। ठीक, आप ये देखिए, क्योंकि x अप्रोच करता है जीरो को, तो ax भी अप्रोच करेगा जीरो को, और अगर bx को सोचे तो bx भी अप्रोच करेगा जीरो को। तो यहां जरूरत ax की है, तो ax जीरो को अप्रोच कर गया। यहां जरूरत bx की है, तो bx जीरो को अप्रोच कर गया। अब आप ये देखिए कि यहाँ बी एक्स के लिए, यहाँ ए एक्स के लिए इनकी वैल्यूज हो गई वन और वन। कुछ बच गया ए अपॉन बी, जिसकी वजह से आ गया आपके पास आंसर ए अपॉन बी। बिल्कुल बच्चों, हाँ जी, किसी को कोई समस्या, ये भी साइड में लिखना चाहिए, बताना चाहिए हमको। अब देखो आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। अब तक जो आपने मेहनत करी है ना 3-4 क्वेश्चन में, हाँ, अगर जो अब तक आपने मेहनत करी है उसका फल आपको अब दिखेगा और एग्जाम में दिखेगा। 15th क्वेश्चन में 1/15, अच्छा 1/5, ओके जी जी बेटा अनुष्का, अभी देखते हैं। देखिए हमारे पास पाई रैशनल है, बिल्कुल पाई रैशनल है, पाई ही रैशनल ही होता है। आपके पास है साइन पाई माइनस एक्स। क्वेश्चन की खूबसूरती देखिएगा आप, पाई माइनस एक्स के साथ 1/π। आप इस पर फोकस करें,
अगर एक्स पाई को अप्रोच करता है, अगर एक्स पाई को अप्रोच करता है, ठीक है, तो दोनों साइड पाई माइनस करा तो एक्स माइनस पाई किसको अप्रोच करेगा? जीरो को। बहुत केयरफुली देखना बच्चों, और माइनस की दोनों साइड मल्टीप्लाई करी तो पाई माइनस एक्स भी किसको अप्रोच करेगा? जीरो को। तो यहां हम लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स अप्रोच इन टू जीरो। ये बात जनरली बच्चे स्किप कर जाते हैं और एग्जाम में फिर उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो ये वन हो गया। अभी बताते हैं बेटा, सब बताते हैं। आप ये देखो कि एक्स पाई को अप्रोच करता है, फॉर एग्जाम्पल एक्स टू को अप्रोच करता है, दोनों साइड टू माइनस करा तो ये जीरो हो जाएगा या नहीं? बिल्कुल इसी तरीके से पाई को इधर ले आए या पाई को माइनस करा तो एक्स माइनस पाई जीरो को अप्रोच कर गया, क्योंकि हमें पाई माइनस एक्स चाहिए, पाई माइनस एक्स चाहिए तो माइनस की दोनों साइड मल्टीप्लाई करी, पर जीरो में मल्टीप्लाई का तो कोई फर्क पड़ा नहीं। सुजल बेटा, जब तुम घर पे पढ़ोगे नहीं ना तो तुम्हारी कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है? साइन एक्स का क्या हुआ? साइन एक्स दिखाई दे रहा है तुम्हें कहीं क्वेश्चन में? इसमें कहीं इसमें साइन एक्स दिखाई दे रहा है आपको? तो ये बन गया आपका वन अपॉन पाई। मुझे एक दो बच्चों को बैच से बाहर भगाना ही पड़ेगा लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी वो क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ पहले तो इसको। साइन एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला बताया था या नहीं? साइन एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? वन के इक्वल होता है। तो साइन एक्स का क्या हुआ? तुम ये सोचते हो वन से एक्स कट गया, वन आ गया, तो साइन का क्या हुआ ये पूछ रहे हो तुम मुझसे। अब बताओ इसका मैं तुम्हें क्या जवाब दूं? अभी और तुम एक काम करो, 3-4 साल आराम से पढ़ाई करो 11th की। कोई जल्दबाजी में पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, बहुत टाइम है अभी। ऑनलाइन भी पढ़ो, ऑफलाइन भी पढ़ो, फिर अब 2-3 स्कूल्स में पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो। किसने कहा जल्दबाजी पढ़ने को? सुनो भी मत आराम से जो कहा जाए। साइन के साथ एक्स तो एंगल है, अब देखो 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में अगर मैं एक्स की जगह जीरो डायरेक्ट लिखूं, कई बार बच्चे सोचते हैं कि मैं लिमिट को डायरेक्ट पुट क्यों नहीं करता। देखो अगर लिमिट पुट करने पे 0/0 बने या ∞/∞ बने तो हम लिमिट पुट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको कैलकुलेट नहीं करा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिमिट पुट करते, यहाँ पे लिमिट पुट करते, तो यही सब बन रहा है। तो इसमें हमें या तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ये बेसिक रूल है तुम्हारी लिमिट के लिए। आप 15th में भी देखो, अगर हम एक्स की जगह पाई लिख देते तो नीचे भी जीरो बन जाता, ऊपर भी जीरो। तो या तो 0/0 बनेगा या ∞/∞। और भी कुछ फॉर्म होती है, ∞-∞ भी होती है, 1^(∞), मतलब वो चीजें जो कैलकुलेट नहीं हो सकती। अगर वो बन रही है तो तब हमें या तो फैक्टराइजेशन करना है या फिर हमको फॉर्मूलो का यूज करना है। 16th क्वेश्चन में अगर मैं एक्स की जगह जीरो पुट करूं तो मेरे पास आता है cos 0/π जो आ गया 1/π। इसमें ना तो मुझे फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़ी और ना ही इसमें मुझको फैक्टराइजेशन की रिक्वायरमेंट आई। हाँ जी, किसी को 16th में समस्या आई हो तो बताओ अभी।
सीधा साधा क्वेश्चन, बिल्कुल। देखो मैं देखता हूं कि हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं, मुश्किल टाइम है, पढ़ाई करना आसान नहीं है, लेकिन इसमें कॉस इक्वल टू वन हो गया। कॉस इक्वल टू वन नहीं हुआ बच्चे, कॉस जीरो होने की वजह से वन हो गया। एक्स की जगह जब जीरो लिखा था सूजन, तो कॉस जीरो वन हुआ है, ठीक है, इसलिए वन अपॉन पाई हुआ। कॉस जीरो की वैल्यू पता होगी तुम्हें, चीजें समझाना ऑनलाइन में तुम लोगों को भी थोड़ा कभी कभी मुश्किल पड़ जाता होगा, बट फोकस 100% देना पड़ता है, क्योंकि और बच्चे भी कर रहे हैं। सर द वैल्यूज वी आर गेटिंग आर लिमिट्स लाइक 1 2 एक्सेट्रा, सो लिमिट्स आर नंबर्स। देखो लिमिट क्या होता है, एक वैल्यू असाइन कर दी गई है, तो इस कॉन्स्टेंट वैल्यू के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते हैं कि अगर एक्स पाई को अप्रोच करेगा, एक कॉन्स्टेंट नंबर को अप्रोच करेगा, अगर एक्स जीरो कॉन्स्टेंट को अप्रोच करेगा, तो ये जो हमारे पास में एक्सप्रेशन है ये किसको अप्रोच करेगा, इसकी वैल्यू कितनी नहीं होगी, ये किसको अप्रोच करेगा। इट्स लाइक अगर आप 1 किलो दाल खरीदने जाएंगे तो आपको 90 रुपीज देने होंगे, तो जो दाल आप लेके आ रहे हो दैट इज अप्रोचिंग टू वन, तो प्राइस जो होगा वो भी 90 को अप्रोच करेगा। अब कुछ चीजों में ये इक्वल की तरह ट्रीट होता है और कुछ बातों में ये इक्वल की तरह ट्रीट नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि जब मैटर करता है ना, थोड़ा सा भी प्लस या माइनस होना, वन माइनस और वन प्लस जब मैटर करता है, अलग हो जाता है उससे कुछ, तो हम उसको कंसीडर करते हैं, लेकिन जब जीरो माइनस जीरो प्लस और जीरो एक ही तरह से ट्रीट हो रहा होता है, तो हम फिर उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। जब तीनों अलग अलग हो जाते हैं कि भाई वन माइनस का मतलब कुछ और है, वन प्लस का कुछ और वन का कुछ और, जब ये तीनों अलग अलग होते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जब तीनों, आप भाई 1 किलो लाए उसमें एक दाना कम हो गया, एक दाना ज्यादा हो गया, फर्क नहीं पड़ता, तो कह तो ठीक है यार 90 रुपीज है, ले पकड़ चुकी। लेकिन जब आप कहोगे नहीं, जरा सा भी कम होने पे पूरा ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 33 मार्क्स पे आप पास होते हो, बट 33 प्लस हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, बट 33 माइनस होते ही आप क्वालिफाई नहीं करोगे, तो 33 माइनस जो है वो अलग हो गया बिल्कुल, समझ रहे हो आप बात। आपके 5 सब्जेक्ट हैं, आप 5ों में पास हो रहे हो, लेकिन 5 माइनस होते ही तो आप फेल हो जाओगे, तो यहां मैटर करता है, वो एग्जाम रिपीट करना पड़ गया। लेकिन अगर आप 5 किलो दूध लाए थे और वो 5 माइनस हुआ है या 5 प्लस हुआ है, जरा सा सा माइनस है जरा सा सा प्लस, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता इस बात से, तो यहां लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये ने भी है जिनमें भी लिमिट एग्जिस्ट करवाई जा रही है आपसे, इनमें ये माना गया है कि 5 माइनस 5 प्लस, 5 माइनस 5 प्लस, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन्हें इवेल्युएट करना है, मतलब इसमें माइनस प्लस लिमिट एग्जिस्ट करती है। 17 पे आते हैं, इसके बाद 2 3 बच्चे वेट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 का और 20 का, वो भी बताएंगे। मैं समझ सकता हूँ 12th 11th क्लास में जब आते हैं तो ये लिमिट के क्वेश्चंस थोड़े कंफ्यूजन लगते हैं थोड़े से, लेकिन जो कंसेप्ट है मैंने आपको बताया कि इनको सोचने का तरीका क्या है। और देखो डिटेल में 15th भी रह गया, 15th तो करा दिया बेटा, 15 नहीं कराया, अरे ओलू 15 रह गया, बताओ एक बच्चा कह रहा है 15 क्वेश्चन रह गया, हो तो गया, सोचो कौन कह रहा होगा, वो महान बच्चा देखो जो ये कह रहा है कि 15 रह गया। देखो भैया ऐसे ऐसे बच्चे हमारे, वो
ध्यान अभी क्या है, 10th की आदत कुछ बच्चों के भी गई नहीं, वो सोच रहे 11th भी ऐसी हो जाएगी जैसे 10th हो जाती है। आप सच सच बताओ बच्चों, ऑनेस्टली मुझे जो रिएक्शन दो कि 10th का सिलेबस भी आपने पढ़ा हुआ है और अब इस साल भी 11th का मोस्टली सिलेबस तो आपने कर ही लिया है, कितना डिफरेंस है दोनों क्लासेस के मैथ्स में। बताओ कितना है? बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है, बहुत ज्यादा, बहुत है, डिफरेंस ही डिफरेंस है, कुछ ज्यादा ही है, बिल्कुल अलग है। 10th इज ग्राउंड एंड 11th इज स्काई। बहुत इन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो बच्चों ये मान के चलो कि आप 10th की अप्रोच से क्या आप 11th कर सकते हो? क्या 10th क्लास की मेहनत के तरीके से, आप बहुत मेहनत करते थे 10th पे, आपकी मेहनत पे किसी को कोई डाउट नहीं है, मुझे पता है, लेकिन अगर वही रिपीट करी आपने 11th में, आप बहुत मेहनती थे 10th में और आपने वो रिपीट कर दी 11th में, तो क्या आप पास हो गए या फेल? और फेल भी मतलब किस लेवल से हो गए? तो ये बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल हम 10th के तरीके से 11th को ट्रीट नहीं कर सकते। और तुम्हारे साथ बेटा अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि स्कूल ही नहीं, मतलब ओपन हो गए, आपने तब तो ऑफलाइन भी पढ़ाई करी थी, ऑफलाइन में कनेक्ट अच्छा आता है। तो यहां देखिए बड़े धीरे धीरे से बड़े प्यार से टैकल करना है। देखो ऑफलाइन में बेटा गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं करा, मुझे पता है कि मेरे लिए ये सब समझाना ऑफलाइन में लेफ्ट हैंडेड गेम है। जैसे ही मौका मिलेगा मैं आप लोगों को बुलाऊंगा। तो ये हो गया 2 cos² तो मैंने यहां पर आप सेंटर खोल लो। ओके ये सही बेटा, मैं तो कितना उत्सुक हूं, लेकिन तब आप लोगों को भी बहुत दिक्कत आएगी। इसके फैक्टर कर रहे हैं हम, ऊपर -1 भी तो था, ओके तो 2 कॉमन भी तो लिया था, तो ये हो गया cos x + 1। यहां आइडेंटिटी यूज की है ना, आइडेंटिटी बोले तो a² - b² की बात कह रहे हैं शायद आप। ओके जी देख लिया, बहुत अच्छे। पता है एक दिक्कत और आएगी आपको, मैं बताता हूं, जैसे ही सेंटर ओपन होगा ना, मुझे यही नहीं पता चलेगा आप में से कौन सा बच्चा कौन से सेंटर पे आएगा। सेंटर मतलब बोले तो क्लासेस जहां होंगी, क्योंकि मुझे आप लोगों के एड्रेसेस नहीं पता कौन कहाँ रह रहा है। सीधा स्कूल में एंट्री करेंगे। अरे अर्जुन एक नहीं है बच्चे, दो दो तीन तीन है सेंटर तो। नहीं, 3-4 सेंटर होते हैं हमारे। यस MS पार्क, बिल्कुल। नव्या आपने देखा है बच्चे, आप तो दूर रहते हो, एक्स की जगह 0 पुट करा, MS पार्क। ओके रुद्र, अच्छा तो आप तो दूर रहते हो बच्चे मेरे ख्याल से। यस शोभित जी तो पुराने वाले सारा, ठीक है डन है, तो MS पार्क वाले तो डन है।
देखिए जी, 4 आ गया आंसर। ट्राई करते हैं लकी, ट्राई करते हैं। 4 आ गया भी, देखो किसी को प्रॉब्लम हुई है तो बताओ। सुजल मेरे लाल बताओ कोई दिक्कत। ओके फर्स्ट स्टेप में दिक्कत है, फर्स्ट स्टेप ओके। कॉस्ट 2x का फॉर्मूला लगाया था, ये कॉस्ट 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x - 1, ये था। गुड क्वेश्चन, ऐसे पूछोगे तो हमेशा बताया जाएगा। cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है cos² - sin², एक होता है 1 - 2 sin², एक होता है 2 cos² x - 1, एक होता है 1 - 10² 1 + 10². 4 फॉर्मूले होते हैं, तो हमने cos वाला ही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। वेरी गुड बच्चों, अब आता है 18 क्वेश्चन। देखिए जिस तरीके से 18 होगा वर्मा जी, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 20 होगा। करो क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्स से डिवाइड कर दिया। आपको बहुत अच्छी चीज सिखाई जाएगी। एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको बताया मैं बिल्कुल अलग चीज बताऊंगा, स्कूल में नहीं बताई जाने वाली है ये चीज, कंफर्म। आप देखो ये कितना बन जाएगा, 1, और ऊपर x की जगह 0 लिखा, तो अमीशी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, a+1/b। नव्या गुड, सर फर्स्ट स्टेप कैसे किया। ओके फर्स्ट स्टेप बेटा, x से डिवाइड करा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। सही से समझ में नहीं आया होगा, आई एक्सेप्ट, नहीं आया होगा समझ में। एक काम करते हैं 20th समझाते हैं, यहां सुनो। सर इट मींस वी कैन डिस्ट्रीब्यूट लिमिट इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन, बट वी कैन डू इट इन सम एंड डिफरेंस। बिल्कुल सम एंड डिफरेंस में भी कर सकते हैं, यस। मेरे जैसा बच्चा तो साइन एक्स के नीचे एक्स, एक मिनट हो जाओ, जो तुम्हारे वाला बच्चा है एक मिनट इसके सुनेंगे। ओके मेरे जैसा बच्चा तो साइन एक्स के नीचे वाला एक्स ऊपर ले जाएगा, साइन एक्स के नीचे वाला एक्स ऊपर ले जाएगा। ओके नहीं नहीं ऐसे तुम्हें हम ऐसा बच्चा नहीं बनने लेंगे जो साइन एक्स के नीचे वाला एक्स को ऊपर ले जाए, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स दिखते ही तो आपको खुश हो जाना चाहिए। सर ये कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में डिवाइड करना है। नहीं देखो बहुत अच्छी बात है ये जिनकी, देखो अगर हम यहाँ पर x की जगह 0 लिख देते तो 0/0 बन जाता, तो 0/0 तो बनने नहीं देना, तो क्या करें, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें। फॉर्मूला कैसे बनेगा, साइन x को x से डिवाइड करके, साइन x को x से डिवाइड करके बनेगा। तो साइन x अपॉन x बनाने के लिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स से डिवाइड करा। फिर हो सकता है, नहीं ऐसे नहीं हो पाता भानु, सर बता दिया कौन सा बच्चा है ये। अरे तुम अपने से मतलब रखो, फॉर्मूला या आइडेंटिटी, फॉर्मूला साइन एक्स अपॉन एक्स वाला बच्चे, आइडेंटिटी फॉर्मूला बोलो, लिमिट का थ्योरम बोलो। एक दिन बताऊंगा आपको ये साइन एक्स अपॉन एक्स कैसे आया, बात बहुत बड़ी है बेटा इसलिए एकदम नहीं बता पा रहे। एक बच्चा कह रहा है मेरी समझ में आ गया 20 कैसे होगा, सबको x से डिवाइड करा।
अब इसमें गलत ना हो तो बी एक्स और एक से डिवाइड करें क्या? बिल्कुल करेंगे जी, फिलहाल तो मैंने एक्स से डिवाइड करा। और बच्चों मुझे ये भी चेक करके बताना, किसी को पता हो अगर, कि फर्स्ट प्रिंसिपल सिलेबस में है या नहीं। आई डाउट फर्स्ट प्रिंसिपल सिलेबस में नहीं है। नहीं है? यस, बच गए तुम, बच गए, बच गए। ठीक है, तो यहां देखो बच्चों की बोले तो एक्स से एक्स गया, एक्स से एक्स गया। हार्ड नहीं, लेंदी था, कुछ नहीं, अच्छा है, कट गया बेकार था। तो यहां देखिए, अब हमारे पास न्यूमरेटर में अगर हम अप्लाई करें, कोई लॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है, बिल्कुल भी लॉस नहीं है। ठीक है जी, अब आप देखो यहां बी से डिवाइड करा, बी से मल्टीप्लाई, ए से डिवाइड करा, ए से मल्टीप्लाई, और ये वन बन जाएगा, ये वन बन जाएगा, तो आपका ऊपर क्या आएगा, ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, जिसकी वजह से वन आंसर आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट कर लिया है, हल्का सा। एक्स अप्रोचिंग टू जीरो को ए एक्स अप्रोचिंग टू जीरो भी लिखा जा सकता है। लो जी, नीचे बी एक्स की जरूरत पड़ेगी तो बी एक्स भी लिखा जा सकता है। आप लिख सकते हो अगर एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है तो ए एक्स भी जीरो को अप्रोच करेगा और बी एक्स भी जीरो को अप्रोच करेगा। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? साइन ए एक्स अपॉन ए वन लिख सकते हैं या नहीं? साइन ए एक्स अपॉन नहीं, लिमिट किसको अप्रोच कर रहा है ये भी बताओ सृजन। बस नव्या, तुमने बात पकड़ ली। अगर लिमिट जीरो को अप्रोच करता है तो सर कैन वी नॉट डू दिस बाय सेपरेटिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लाइक वी डिड इन प्रीवियस क्वेश्चन। अगर आप तब भी रखते तो ऊपर जीरो आ जाता, नीचे भी जीरो आ जाता बच्चे। अनुष्का, अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिमिट सेपरेट करते, साइन ए एक्स अपॉन एक्स को ए लिख सकते हैं या नहीं? ए आ जाएगा, बिल्कुल ए लिख पाएंगे, लिख देंगे ए सूजन। ए से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। हाँ अनुष्का बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई? अगर न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लेते और एक्स की जगह जीरो पुट करते तो ऊपर भी जीरो आ जाता, नीचे भी जीरो। और हमने कहा जीरो बाय जीरो मतलब क्या? कुछ नहीं, इनडिटरमिनेंट बोलते हैं उसको, विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो हमें क्या है, एक फाइनाइट आंसर तो लाना ही लाना है। जीरो पॉइंट जीरो को फिर कैलकुलेट कैसे करते हैं आप, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते तो न्यूमरेटर की लिमिट भी फाइनाइट आई ए प्लस बी, और डिनोमिनेटर की लिमिट भी फाइनाइट आई ए प्लस बी, और हमारी बात बन गई। ठीक है जी, बढ़िया क्वेश्चंस करे आप लोगों ने ये अभी तक, शानदार क्वेश्चन। बिना ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करे नहीं हो सकता सूजन, नो। ये देखिए जी, अब आप फिर से देखो, अगर मैं एक्स की जगह जीरो पुट करूं तो ये हो रहा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। बताया था ना मैंने कि
कि जीरो अपॉन जीरो इनडिटर्मिनेंट है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट है, वन एस टू पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट है, जीरो रेस टू पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट है, इन्फिनिटी रेस टू पावर जीरो इनडिटर्मिनेंट है, ये सॉल्व नहीं हो सकते, इनडिटर्मिनेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ऐसी प्रॉब्लम जो आ रही होती है ना एब्सर्ड, तो वैल्यू खोल लेते हैं, वैल्यू खोल लेते हैं, वही आपको दिखाते हैं कि वैल्यू कैसे खुलेगी इसकी। सो वी कैन राइट वन अपॉन साइन एंड कॉस अपॉन साइन, और साथ में लिमिट। तो ये बन गया वन माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन। मैंने इसमें वन प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लाइक रैशनलाइजेशन, बहुत मेथड है इन्हें सॉल्व करने के। ऊपर क्या जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर, वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। सत्य, बढ़िया बात पकड़ी कुछ बच्चों ने, एकदम पकड़ लिया कि साइन स्क्वायर आ गया। बेटा माइनस हो रहा है, माइनस होने में तो साइन एक्स ही आएगा ना, ठीक है जी, यहां तक ओके है। साइन से साइन कैंसिल। अब देखो अगर मैं एक्स की जगह जीरो पुट करता हूं तो ऊपर साइन जीरो है और नीचे कॉस जीरो है, ऊपर जीरो आया नीचे टू आया और आंसर जीरो आया। क्या लगता है, ये नॉट एग्जिस्ट है या आंसर सही है, जीरो पॉइंट टू इज ओके या नॉट एग्जिस्ट प्रॉब्लमेटिक है ये आंसर? सही है, जीरो अपॉन जीरो से प्रॉब्लम है, जीरो से प्रॉब्लम नहीं है। अगर टू अपॉन जीरो होता तो प्रॉब्लम हो जाती, यस तब ठीक है, बहुत बढ़िया, जीरो बाय जीरो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी से प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया, क्योंकि जीरो बाय जीरो से प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट देखे, देखो भाई एक मेथड होता है, ये लास्ट क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस में, देखता हूँ और तो नहीं होंगे शायद, हाँ ये लास्ट में आया है इसीलिए आपको मुझे ये बताना पड़ेगा, ये नया मेथड आएगा भी इसके अंदर एक, तो आर यू रेडी? देखो देख, टेन की वजह से नहीं है प्रॉब्लम, यस लकी कुछ ऐसा ही करेंगे। देखो भी देखो, अगर इस लिमिट पे मैं जाऊं यहां से पाई बाय टू को मैं इधर ले जाऊं तो ये जीरो को अप्रोच कर जाएगा या नहीं? तो सुनो ध्यान से, x माइनस पाई बाय टू को हमने मान लिया t, ठीक है, तो ध्यान से देखो, अभी देखते हैं, x माइनस पाई बाय टू को मान लिया t, x की जगह क्या लिखेंगे फिर? पाई बाय टू प्लस टी, और नीचे भी आ गया टी, ये स्टेप समझ में आता है तो एक्सेप्ट करो अदरवाइज नहीं। ओके समझ में नहीं आया, ठीक है,
देखो जी, ये तो टी हो गया, ये भी टी हो गया, तो इन दोनों को तो टी लिख दिया। और यहां से अगर हम देखें एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, टी प्लस 5/2। ये थोड़ा नया सा है। अब ठीक है, जिस जिसको प्रॉब्लम है, हाँ मतलब अभी टेन टू एक्स का फॉर्मूला देखेंगे, अभी देखेंगे। तो ये बन गया मेरे पास लिमिट टी अप्रोचिंग टू जीरो, टू के अंदर मल्टीप्लाई करी तो बन गया पाई प्लस 2t। और टेन 180 प्लस थीटा या पाई प्लस 2t कितना हो गया, टेन 2t। चलो जी एक बात सुन लो, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है लिमिट में 1, तो ये फॉर्मूला टेन के लिए भी होता है, बताया नहीं जाता बट होता है। वैसे मैंने दिखाया था, मैं आपको दिखा सकता हूँ, आज मैंने आप इसका डेरिवेशन भी कराया था। हाँ लिमिट अप्रोचिंग टू जीरो होना चाहिए, सॉरी माय मिस्टेक। तो अब देखो, टू से डिवाइड करा, टू से मल्टीप्लाई, तो ये पूरा हो गया 1 और आंसर आ गया 2। 1/2, 2 बेटा 2, 1/2 नहीं 2। बहुत बढ़िया। अब देखो पहले तो जरा मैं एक बार वो दिखा दूं आपको कि ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। ये देखो, ये रहा, आज ही कराया था और इसका आंसर बनाया था। सरदार टू स्टेप, ओके, हाउ डू वी नो एट वेन टू एज्यूम टी। देखो अंश, ये तो ऐसी बात हो गई कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में कब हमें पता चलता है, ये थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा कंसेप्ट, थोड़ा ये देखते हैं कि भाई फॉर्मूले की डायरेक्शन में कब जा रहा है। वहां पे क्या हुआ था अभी अभी कि जो अभी क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें प्रॉब्लम ये आई थी कि यहाँ पे कोई कोई फॉर्मूला लगता हमें दिखाई नहीं दे रहा था, फैक्टराइजेशन हो नहीं सकते और कुछ बन नहीं रहा। एक मिनट रुकना बच्चों, थोड़ी दिक्कत आएगी। एक काम करते हैं, आराम से समझाते हैं कि हुआ क्या हमारे साथ। तो इसका रिप्ले चलेगा अभी और रिप्ले से पूरा समझ आ जाएगा कि एक एक स्टेप कैसे कराया था, फिर 2-3 स्टेप भी पूरे कराते हैं। प्रोबेबिलिटी की क्लास लेनी है तो ले लो, बिल्कुल ले सकते हो, बच्चों को लेने ले सकते हो प्रोबेबिलिटी की क्लास। क्लास के बाद होती है एक्स्ट्रा क्लास। देखिए जी, यहां पे से शुरू हुआ था, बताते हैं दोबारा से आपको। तो हम ये कह रहे थे कि x माइनस पाई बाई टू, कि अगर हम पाई बाई टू को दूसरी साइड ले जाएं तो ये 0 का अप्रोच करेगा। ठीक है, हम पाई बाई टू को दूसरी तरफ ले गए, इधर ले गए, ठीक है जी, ये 0 को अप्रोच कर गया। ओके, तो लिमिट लिख दी, x माइनस पाई बाई टू लिख दिया और पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिख। इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं हुई। फिर x माइनस पाई बाई टू को हमने t मान लिया। t मानने का लॉजिक ये है कि थोड़ी बड़ी वैल्यू थी, थोड़ा छोटा लिख दिया, जैसे एज्यूम कर लेते हैं बस इतना सा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये t मानने वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा इसलिए ऐसा करा। तो फिर हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, x माइनस पाई बाई टू की जगह लिख दिया t,
जो जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है जी। और यहां पर एक्स की जगह जो करा था वो इंपॉर्टेंट था, एक्स की जगह क्या आ गया, पाई बाय टू प्लस टी, ये ठीक है जी। अपॉन में क्या आ गया, टी। अब जो एक्स माइनस फाइव बाई टू है, ये जो एक्स माइनस फाइव बाई टू, ये टी बन गया था, टी बन गया। और यहां से एक्स की वैल्यू क्या आई, टी प्लस फाइव बाई टू जो हमने पुट किया, ओके। ये अब आगे बढ़े, अब देखो क्वेश्चन रीडिफाइंड हो गया, लिमिट है, टी है, जीरो है, टेन है, टू के अंदर मल्टीप्लाई करी, पाई आ गया, टू टी आ गया, अपॉन में क्या आ गया, टी। अब टेन पाई बाई पाई प्लस टू टी मतलब टेन वन एट्टी प्लस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो ये हो गया टेन टू टी। आगे देखो बिल्कुल, अब ये टेन टू टी बन गया, टेन वन एट्टी प्लस थीटा का फॉर्मूला लग गया, टेन टू टी हो गया। ये बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, टेन वन एट्टी प्लस थीटा टेन थीटा होता है, अपॉन में क्या है, टी है, बस टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई। जो फॉर्मूला साइन एक्स अपॉन एक्स के लिए होता है वही फॉर्मूला टेन एक्स अपॉन एक्स के लिए भी होता है, तो ये भी हमारे पास में बना गया, ठीक। तो टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई, बाकी सारा वन बन गया, आंसर आ गया टू। अब बताओ किसको परेशानी आई इसमें, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है हर्षित मित्तल जी को, और किसी को कोई दिक्कत है, कुछ नहीं है दिक्कत, नव्या ओके। बाकी बताओ भी किसी को प्रॉब्लम थी, तेजस्विनी इज गुड, काव्य, अरे रमेशी सब बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप अनुष्का को भी समझ में आ गया होगा, अर्जुन पाठक जी को समझ में आ गया। आज तुमने बहुत जबरदस्त बहुत अच्छे क्वेश्चंस करे हैं, 19th is 0, 19 तो कराए नहीं है, भूल गए, 19 का आंसर 0 है, 19 तो कुछ नहीं है, x की जगह 0 पुट कर दो एंड 0 into 1 आंसर 0, एक लाइन का क्वेश्चन था 19th में, तो ना 0 by 0 बनी नहीं थी भाई, जब अपॉन में 0 नहीं आता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम तो शुरू ही तब होती है जब अपॉन में 0। बिल्कुल मैं भूल गया था, देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसके बहुत सारे हैं, मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा वीडियोस इसके, देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। चलिए जी हो गए यहाँ पर।